हेलो फ्रेंड्स, आज है वर्ल्ड्स हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई, जिसके लिए मैं आज हेपेटाइटिस पर बात कर रहा हूँ. और हेपेटाइटिस ई पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ. सो, अब मैं बात करूँगा हेपेटाइटिस ए पर. इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट कि डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आप किसी भी मेरी अपडेट से अपडेट को मिस ना करें. लेट्स बिगिन द टॉपिक. हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस, विच इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस. ठीक है, दिस इज़ अ वाटर बॉर्न डिसीज. सो कॉजेज आर पुअर सैनिटेशन सर्विसेज, पुअर हाइजीन एंड पुअर हेल्थ सर्विसेज. ओके, एंड देन व्हाट आर इट्स क्लिनिकल फीचर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स इंक्यूबेशन पीरियड रेंजेस फ्रॉम 15 डेज टू 45 डेज. ठीक है, उसके बाद आई वुड लाइक टू से कि देर आर टू फेजेस, प्रोडोमल फेज एंड द इक्टेरिक फेज. प्रोडोमल फेज में जो पेशेंट होगा वो प्रेजेंट करेगा विथ फीवर, नॉजिया, वॉमिटिंग, फेरेंजाइटिस, कफ. ठीक है, इन सब सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा. और इक्टेरिक फेज में पेशेंट को जॉन्डिस होगा, डार्क यूरिन, क्ले कलर्ड स्टूल यानी कि चिकनी मिट्टी जैसे स्टूल्स. ठीक है, और पेन एब्डोमेन, हेपेटोमेगेली. पेशेंट को जैसे जैसे जॉन्डिस प्रोग्रेस करेगा, एनोरेक्सिया पेशेंट को था ही, भूख नहीं लग रही थी, उन सब की वजह से पेशेंट को वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड बहुत ज़्यादा बोन पेन होगा यानी कि अर्थ्रालजिया होगा. ठीक है, नाउ हमारे पास इसके बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं. ठीक है, जैसे कि इन्फेक्शन कॉज बाय साइटोमेगेलो वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस एंड इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस. इसके अलावा कोलिसिस्टाइटिस भी इसको मिमिक कर सकती है, और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी इसको मिमिक कर सकते हैं. बाकी हम क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पे हम इन सबको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे. ठीक है, अब हमें इसमें इन्वेस्टिगेशंस करानी है. इन्वेस्टिगेशंस में हम सबसे पहले ब्लड इन्वेस्टिगेशन, कंप्लीट ब्लड काउंट में जाएंगे, जिसमें हमें लिम्फोपीनिया एंड न्यूट्रोपीनिया मिलेगा, यानी कि न्यूट्रोफिल्स काउंट और लिम्फोसाइट काउंट कम हो जाएंगे. ठीक है, इन द इनिशियल फेज ऑफ इन्फेक्शन. बट जैसे जैसे प्रोडोमल फेज चली जाएगी, वैसे वैसे लिम्फोसाइटोसिस प्रीडोमिनेंट होने लगेगा. ठीक है, उसके अलावा लिवर एंजाइम्स कराएंगे, सीरम बिलरुबिन लेवल्स कराएंगे, ये सब हमें डिरेंज्ड मिलेंगे. ठीक है, और ALT इज मोर देन AST. ठीक है, लिवर एंजाइम्स में. इसके बाद हम IgM लेवल्स तो ज़रूर कराएंगे. IgM लेवल्स जो हैं कम से कम 3 से 6 महीने तक, अगर एक बार पॉजिटिव आए हैं 3 से 6 महीने तक पॉजिटिव रहेंगे. ठीक है, उसके बाद हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं. अल्ट्रासाउंड में हमें हिपेटोमेगैली मिल सकती है, स्प्लीनोमेगैली मिल सकती है. ठीक है, और ब्लड शुगर करा सकते हैं. क्यों? पेशेंट एनोरेक्सिक था, कुछ खा पी नहीं रहा होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएंगे. ठीक है, यूरिन एग्जामिनेशन करा सकते हैं. यूरिन में हमें एल्बुमिन लेवल मिल सकते हैं, हेमेचूरिया अगर पेशेंट को होगा, अगर होगा तो RBCs प्रेजेंट मिल सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही हम सीरम एल्बुमिन लेवल्स करा सकते हैं, वो रेज मिलेंगे हमें. ठीक है, उसके बाद लिवर बायोप्सी भी कराते हैं, बट वो इतनी जल्दी कराने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर हमें लगता है कि पेशेंट इज प्रोग्रेसिंग टू फल्मिनेंट लिवर फेलियर यानी कि एक्यूट लिवर फेलियर, तब हमें कराने की ज़रूरत पड़ती है. उसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में सब फर्स्ट ऑफ ऑल बोलना चाहूँगा जो इसका प्रोग्नोसिस है बहुत ही अच्छा है, पेशेंट बहुत जल्दी ठीक रिकवर हो जाता है. ओनली प्रॉब्लम इज अगर पेशेंट ओल्ड एज में अगर इस इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, तो ओल्ड एज में मोर्टैलिटी रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं. एंड उसके बाद इम्यूनाइजेशन भी हमारे पास इसकी अवेलेबल है. और ट्रीटमेंट में हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, पेन के लिए पेन किलर्स, फीवर अगर होगा फीवर के लिए एंटीपायरेटिक्स, वॉमिटिंग की कंप्लेंट के लिए हम एंटीएमेटिक्स. ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा होगा, हो सकता है ब्लड प्रेशर कम हो, उसके अकॉर्डिंगली हॉस्पिटलाइजेशन. और हॉस्पिटलाइजेशन अगर करेंगे तो क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स यानी कि नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट एज पर द नीड हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करेंगे. ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कम्स इन द रोल इन दिस प्लेस. ठीक है, उसके बाद फिर हम पेशेंट को लेटर ऑन फिर सजेस्ट करेंगे, जब पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर देंगे, बिकॉज ये 2 से 3 महीने इसको लगेंगे पेशेंट को कम्प्लीटली क्योर होने में. तो पेशेंट को सजेस्ट करेंगे कि वो अल्कोहल अवॉइड करे, अनकुक्ड फूड ना खाए, और प्रॉपर मतलब कि बॉइल्ड वाटर का यूज़ करे,
ठीक है, ये सब हमें उसे सजेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सो कॉम्प्लिकेशंस में जैसे कि एक्यूट रीनल फेलियर, सो जॉगरन सिंड्रोम, गुलियन बारे सिंड्रोम, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। और हमारे पास फाइनली इसके प्रिवेंशन में हमारे पास अवेलेबल है इसकी वैक्सीन्स, जो कि हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर भी दे सकते हैं और पोस्ट एक्सपोजर भी दे सकते हैं। वैक्सीन्स में हमारे पास है हैवरिक्स एंड वेक्टा। हैवरिक्स में हमारे पास है कि अगर 1 टू 18 ईयर्स की एज है, ठीक है, 2 शॉट्स लगेंगे 0.5 ml के 0, 6 and 12 मंथ्स पर, ठीक है। एंड अगर मोर देन 19 है, 2 शॉट्स लगेंगे 1 ml डोज के 0, 6 and 12 मंथ डोज पर। उसके बाद वेक्टा इज अनदर वैक्सीन जो हम 1 टू 18 ईयर्स में अगर देते हैं, 2 शॉट्स 0.5 ml के 0, 1 और 0, 6 और 18, इसमें बस डिफरेंस है उसमें 12 मंथ पर था। हैवरिक्स में HAVRX हैवरिक्स में 12 मंथ्स था, इसमें 18 मंथ्स है, ठीक है। एंड अगर 19 ईयर से ज़्यादा है तो 1 ml डोज और 0, 1 and 18 मंथ पर हम ही दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को किसी वजह से कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है जहाँ पे हेपेटाइटिस ए का आउटब्रेक हुआ हुआ है या हुआ, तो हम फर्स्ट डोज के साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन IG भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर योर लव एंड थैंक यू सो मच।